इस बड़े नए घर में आए हुए हैं, नया एज इन हमारे लिए नया, बट वैसे पुराना घर होता है और हमें नहीं पता होता, मगर इट्स हॉन्टेड. तो व्हाट ऑल हैपेंस व्हेन दिस लिटिल बॉय मीट्स द स्पिरिट एंड देन उन दोनों के बीच में तकरार, फिर दोस्ती, फिर जो और भी. सो इट्स फन क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ शेड्स टू इट. मस्ती भी है कभी, इमोशंस भी हैं कभी, ड्रामा भी है. एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आई एम प्लेइंग अ मदर, सो आई विल बी अ रिस्पॉन्सिबल मदर. सिर्फ ये है कि उसे कुकिंग पसंद नहीं है, तो जब बेटा बोलता है मेरे को कुछ यू नो फैंसी खाना खाना है, तो शी ट्राइज टू टेल कि भाई सैंडविच ही खा लो, लाइट होता है तुम्हें ये अच्छा लगेगा. तो शी ट्राइज टू यू नो कि मेरे को किचन में मत भेजो, मैं कुछ भी और लाइट क्विक काम कर लेती हूँ, मगर मेरे से ये सब नहीं होता. सो दैट्स द लिटल शेड दैट आई हैव इन द फिल्म. होता कुछ ऐसा है कि फिल्म में मदर को पता नहीं होता है या कि ये जो बच्चा कह रहा है, कभी कभी वो कुछ कह भी देता है कि यू नो भूतनाथ से ऐसा कुछ हुआ या भूत, मतलब ही ट्राइज टू टेल हर कि देर इज समथिंग देयर एंड शी थिंक्स कि ये है ही शैतान. वैसे भी कहानियां इधर भी करता है, स्कूल में भी करता है, ये भी एक कहानी होगी. शी नेवर बिलीव्स हिम. बट मच लेटर इन द फिल्म देर इज अ पॉइंट जब कुछ सीरियस कोई बात हो जाती है एंड he finally भूतनाथ appears in front of the mother. तो काफी सारे सीन्स तो हैं जहाँ पर भूतनाथ इज प्रॉब्ली देयर इन द हाउस बट शी कैनॉट सी हिम. तो मेरा कभी ऐसा ये नहीं था कि आई एवर टॉक टू अमित जी's character directly or you know because I can never see him. Kid can see him, I can't see him. So there were a lot of other scenes like that. But one point he actually appears and the first time मदर देखती है कि ये जो कह रहा था ये बच्चा ये एक्चुअली सच है. एंड मैं उस वक्त थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं विवेक में अगर मैं रियल लाइफ में किसी भूत को देखती तो शायद मैं तो वहां पर ही यू नो फेंट ही हो जाती है कुछ. तो एक्चुअली आई कांट डू दैट ऑन फिल्म बिकॉज देर इज अ सीन टू फॉलो. बट वॉट हाउ डू आई रिएक्ट टू दिस यू नो कि फर्स्ट टाइम आई एम सपोज टू सी द गोस्ट. So that the way he explained it to me and you know because at that moment the beginning of the film unka kafi thoda daravna sa look hai but then it has become more sober and nice and presentable. So it's not ke jab aap us unko dekhengi to aap aisi koi cheez dekhengi jo ki daravni hai ya it's not that stunning. But yes, here is a person who actually looks like a person and but he's not real, so it's that kind of reaction. Actually, Vivek mere paas 2-3 saal pehle aaye the. Unhone tab unke mind mein hi idea tha ki main aisi film banaunga. Magar tab kyunki I can never imagine ki if you have 8 lines of a story, how you actually make it into a 2-hour, 2.5-hour film. So I said, हाँ हाँ करेंगे and all, but then I had no idea कि ये क्या बनेगी. फिर मैंने came to me 1 year, एक साल पहले जब आए पूरी स्क्रिप्ट लेकर आए. मैं कह रही हूँ कि it was amazing क्योंकि जब वो स्क्रिप्ट सुनाने लगे तो मजा आने लगा. सुनी और फिर जब वो एंड तक आए तो I was actually in tears. मतलब tears मतलब ऐसा जैसे अब रोने लगते हैं ना ऐसी मेरी हालत हो गई. एंड आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड कि ये मैं क्या कर रही हूँ. आई मीन दिस इज जस्ट अ स्क्रिप्ट सेशन गोइंग ऑन, हाउ कैन यू रिएक्ट लाइक दिस. बट वन फील्स लाइक दैट. सो ही इज रिटन इट वेरी वेल. ऑल्सो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो ही इज अ वेरी केपेबल पर्सन. ही इज हैंडल्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स, सो ही इज अ वेरी केपेबल डायरेक्टर. सिचुएशन इज समथिंग लाइक बच्चा लूट गया है, उसको एक थप्पड़ पड़ गया मम्मी से, तो वो बात नहीं करता है एंड ही इज क्वाइट एंग्री, अपसेट विद भूतनाथ विद मम्मी. एंड सो पहले तो भूतनाथ उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं एंड देन द लास्ट 6-8 लाइन्स मदर इज फीलिंग बैड कि यार ये मैंने क्या कर दिया, शायद कुछ ज्यादा ही हो गया. एंड सो दोज लाइन्स आई हैव सॉन्ग. सो द फर्स्ट half of the song Amit ji has sung and then I did the rest. It was my first experience being in, you know, in that little
dubbing song, dubbing little box that they have, and then trying to do this. I was a little nervous to, you know, start with. मतलब वैसे तो लगता है ना कि डबिंग तो हम करते आए हैं फिल्मों की, बट दिस इज टोटली डिफरेंट. बट एट द एंड ऑफ इट आई सेड चलो इट्स एन एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो हाउ मेनी पीपल कैन एवर से इन देयर करियर कि हमने एक्टिंग तो अमित जी के साथ की है. कितने लोग ये कह सकते हैं कि हमने गाना भी अमित जी के साथ गाया है. सो आई कैन से दैट फॉर माई सेल्फ कि चलिए मैंने एक गाना भी अमित जी के साथ गाया है. चलो जाने दो अब छोड़ो भी इतना भी क्या गुस्सा करना. कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो. यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या खुड़ना. चलो जाने दो अब छोड़ो भी. थैंक यू.